दोस्तों कैश करो ऐप के बारे में तो आपने सुना ही होगा। क्या वाकई में कैश करो ऐप से कैशबैक आता है? कैश करो ऐप से अगर आप शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, शॉपसी पे, तो क्या वो कैशबैक देता है? क्या वो कैशबैक जो देता है क्या वो बैंक में ट्रांसफ़र होता है? काफ़ी सारा सवाल मेरा भी था इसके यूज करने के पहले, तो आज मैं आपको साथ दिखाऊंगा कि वाकई में पैसा देता है या नहीं, या पैसा ट्रांसफ़र बैंक में होता है या नहीं। मैंने कुछ शॉपिंग किए थे बस ट्रायल करने के लिए, कुछ पैसे मेरे भी आ चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कैश करो ऐप प्ले स्टोर में जाना है, कैश करो ऐप डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल होगा, उसके बाद में आपको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद में दोस्तों आप अपना मेल आईडी या मोबाइल नंबर कुछ भी डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं इसमें। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि मेरे पास अभी इतने सारे पैसे जो आप देख सकते हैं, तो इसमें से 20 रुपये समथिंग पैसा जो है क्लेम करने के लायक बन चुका है, यानी कि वो ऑलरेडी रिवार्ड में आ चुका है, मुझे क्लेम करने का मौका मिल जाएगा, तो मैं उसे इमिडिएटली क्लेम कर देता हूँ। क्लेम करने के बाद में आप अपना बहुत सारा ऑप्शन नज़र आता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट की वाउचर हो या मैं UPI के थ्रू से 20 रुपये लेना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे 20 रुपया मैं अपना UPI नंबर लिख देता हूँ। UPI नंबर लिखने के बाद में मेरे नंबर पे OTP आएगा। OTP लिख देने के बाद में कुछ सेकंड में आप देख सकते हैं मैसेज आ चुका है, मेरा पैसा जो है मुझे मिल चुका है। तो वाकई में दोस्तों कैश करो ऐप में कैशबैक मिलता है और बैंक में भी ट्रांसफर होता है। तो आप भी अगर शॉपिंग करेंगे तो आप कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं। मेरा भी डाउट था इसलिए मैं थोड़ा सा उसके लिए शॉपिंग किया, मुझे काफ़ी फायदा मिला है, 20 रुपये का तो फायदा मिला है। अभी काफ़ी सारे पैसे रह गए हैं, देख सकते हैं लगभग 50 रुपये के आसपास, वो भी मैं रिवार्ड में आने के बाद ना उसको मैं क्लेम कर लूँ। तो आप भी शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत आसान है। कैश करो में जाने के बाद में आप अपना फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, किससे भी आप शॉपिंग कीजिए। इसके लिए कैश करो आपको जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको कैश करो ऐप पे जाने के बाद में वहीं से आपको फ्लिपकार्ट का लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा और रिडायरेक्ट होकर वो फ्लिपकार्ट पे जाएगा। उसके बाद में आप जो है उसमें सर्च करके अपने विश लिस्ट से या फिर आप अपने माई ऑर्डर में कार्ड में डाल के रखे होंगे तो वहाँ से जाके आप बुक कर सकते हैं, उसका कैशबैक मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा ऐप है फिलहाल के लिए, तो कुछ तो मिल जाता है। वैसे तो शॉपिंग करेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, ऐसे में कुछ तो आपको 1-2 रुपये करके एक ऑर्डर पे मिल ही जाता है।